आप देख सकते हैं बाल भारती विद्यालय जो कि गौशाला के जस्ट बगल में, और यहाँ पुष्प प्रदर्शनी है, और यहाँ जो बाल भारती के अध्यक्ष हैं आदरणीय पवन बाबू के पास हमको लेकर चल रहे हैं। सर आप थोड़ा सा मैं आपसे बात करूं, सर सबसे पहले अपना परिचय दें और आपके बारे में। काफ़ी मैं सुना पेपर के माध्यम से भी देखते हैं कि पुष्प के भागलपुर ज़िले में आपका एक अपना स्थान है, इसके पीछे क्या रीज़न है सर कि इतना अच्छा फूल के आप शौकीन हैं अथवा सा, और इतना जो आज प्रदर्शनी पुष्प का प्रदर्शनी बाल भारती विद्यालय में हमको लग रहा है, हम अपने ख्याल से बता रहे पहली बार ये प्रदर्शनी नवगछिया के बाल भारती में लगा है। मेरा नाम पवन कुमार सर्राफ है, मैं नवगछिया का रहने वाला हूँ, और मुझे बचपन से जब से होश मैंने संभाला है तब से मुझे पौधों के प्रति लगाव है। आज भी मेरी उम्र के लगभग एक दो साल कम के पौधे हैं मेरे पास, और मैं बराबर सभी तरह के पौधों को पुष्प को मैं लगाते रहता हूँ, और बहुत बड़ा मेरे पास इसका कलेक्शन है, और लोगों को बांटते भी रहता हूँ, लोगों को भी प्रेरित करते रहता हूँ कि आप पुष्प लगाएं, और इससे अच्छा कुछ भी नहीं है अपना समय बिताने के लिए और समाज में एक अच्छा संदेश देने के लिए मैं बराबर प्रयासरत रहता हूँ। नवगछिया में भी बहुत घरों में या जो भी मेरे पास आते हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनको कुछ ना कुछ पुष्प के रूप में या उसके पौधे के रूप में देने का प्रयास करता हूँ। इस वर्ष मैंने पहली दफ़ा राज्य स्तर प्रतियोगिता में पटना में मैंने हिस्सा लिया था, इसमें राज्य में सर्वप्रथम में आया हूँ। दूसरी प्रदर्शनी राजभवन में आयोजित हुई थी, उसमें भी मैं प्रथम आया हूँ। तीसरी प्रदर्शनी अभी सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आयोजित की गई थी, उसमें भी मैं प्रथम आया हूँ, और लोगों को प्रेरित करता हूँ। उसी प्रेरणा का एक ये हिस्सा है कि इस साल प्रथम बार मैं अपने साथियों के साथ मिलके लायंस क्लब के द्वारा बाल भारती के इस प्रांगण में मैंने आज पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसमें बाज़ार से अभी तक जो संकलन हुआ है वो देख करके मैं हतप्रभ हूँ कि इतना अच्छा संकलन नवगछिया बाज़ार के अंदर लोगों के पास है, और लोग इतने आगे बढ़े हुए हैं। कई चीज़ें तो ऐसी है कि वो मुझसे भी बहुत अच्छी है, तो मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, ये शौक़ आप निश्चित रूप से पालें, इससे हमारे मुख्यमंत्री का जो एक सपना है जल जीवन हरियाली का वो भी पूरा होता है, और आप करके देखें आपको बड़ी शांति महसूस होगी। इसके लिए कुछ भी कोई बहाना नहीं है, कोई कहेंगे कि मेरे पास जगह नहीं है, कोई कहेंगे मेरे पास अनुभव नहीं है, कोई कहेंगे मुझे पौधे नहीं मिलते हैं। मैं नवगछिया की जैसी जगह पर विश्व स्तरीय मेरे पास कलेक्शन है, जबकि नवगछिया एक छोटा सा कस्बा है। आपके घर में 5 गमला रखने की भी जगह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं होगी, 5 गमले में ही आप लगाएं, उसी से आप इंजॉय करें, देखिए आपको कितना दिन भर का एंगेजमेंट मिल जाएगा। आप घर आएंगे लौट करके दिन भर अपना व्यापार और व्यवसाय करके, तो आप सबसे पहले अपने वो 5 गमलों को ही देखने के लिए जाइएगा कि वो कैसा है, उसके बाद आप परिवार के और किसी सदस्य से मिलिएगा। इसके प्रति आपको आकर्षण होना चाहिए, और मैं अपना संदेश यही देता हूँ कि निश्चित रूप से आप अपने घरों में पौधा लगाएं और उसके बाद फिर उसका आनंद लें, जीवन का आनंद। ये सर एक क्वेश्चन जानना चाह रहे थे, यहाँ जो खास करके देख रहे हैं एक अलग अलग पौधे पुष्प जो सजावट के कुछ ऐसे औषधि के भी है, तो कुछ खास पौधे के नाम कुछ या पुष्प के नाम बताना चाहेंगे जिससे कि आज हम लोग को इस समाज को एक प्रेरणा मिले। देखिए पुष्प लगाने का तो हर पुष्प का अपना अपना सीजन होता है, मुख्य रूप से जी सर तो अभी देख रहे थे कि हमारे बीच हमारे विद्यालय बाल भारती के पवन बाबू
बहुत अच्छे तरीके से पुष्प के बारे में बता रहे थे, कितना सरल तरीके से बता रहे थे। और ये अब जलते हैं फिर तो